रेशियो 2011 में 880 था। हम लड़कियों की हत्या कर रहे हैं, हम उनको पैदा होने से भी वंचित कर रहे हैं, हम उनका सेक्स सिलेक्शन कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम केवल उसकी नहीं है, उस परिवार की नहीं है जो उस गर्भपात को कर रहा है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। और जो पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी पूरी सोसाइटी निकालती है और एक साथ निकालती है। हमारे बहुत से इंडिकेटर्स पढ़ाई के हों, स्वास्थ्य के हों, हरिद्वार में खराब हो रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि खराब हो रहे हैं। हमारा जो ड्रॉपआउट रेट है लड़कियों का, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो आठवीं में भी पढ़ रही हैं तो नवीं में आएंगी ही नहीं, एट के बाद पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। क्या वजह हो सकती है? घर का कामकाज, कामकाज में हाथ बटाएगी, या छोटा बच्चा है घर में उनकी देखभाल करेगी, चौका बर्तन करेगी कि इसको तो चौका बर्तन ही करना है, ये पढ़ के भी क्या कर लेगी? अगर इसने मास्टर्स भी कर लिया, एमएड भी कर लिया, एमएससी भी कर ली, तो भी तो यही करेगी। इस मानसिकता पे चोट करनी है, बात केवल एनरोलमेंट रेशियो की नहीं, बात इस पुरुष प्रधान मानसिकता की है जो इस बात को मानती है कि नहीं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। जब मैं 12th में था, आज जो प्रस्तुतियां हुई हैं, ना मैं आपसे अच्छा डांस कर सकता था, ना मैं अच्छा आपसे गाना गा सकता था, ना अच्छा ताइक्वांडो कर सकता था, आप सब मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। और ये सोसाइटी को समझना चाहिए कि जो प्रतिभा है वो मेल फीमेल देख के नहीं होती है, वो इंसान देख के होती है। सब में उतनी ही काबिलियत है जितनी लड़के में हो सकती है, लड़कियों में हो सकती है, बराबर है। बात बड़ी छोटी है लेकिन भेदभाव हमने खुद पैदा किए हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी की इस भावना से उनको देखते हैं जिनकी केवल लड़कियां हो, मान लो कोई उन्होंने पाप कर दिया हो या उस लेडी की कोई गलती हो, केवल लड़कियां हैं। फैमिली ऐसी है, हमारी मेंटालिटी ऐसी है, और मेंटालिटी ऐसी होगी तो उसमें एनरोलमेंट रेशियो तो उसका बड़ा छोटा सा सूचकांक है, इसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। हरियाणा का सेक्स रेशियो बहुत खराब था, आज की तारीख में लगातार वहां पे एक्टिव रहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सोसाइटी एक्टिव हुई, हमने बहुत से छापे मारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे, इंप्रूव हो रहा है। लेकिन ये चीज ऐसी नहीं है कि हम जोर जबरदस्ती से इंप्रूव करें, कितना आप कर लो, अंदर से आना चाहिए। मेरी खुद 3 सिस्टर्स हैं, मुझे कभी भी ऐसा याद नहीं है कि जब उन तीनों में से कोई फर्स्ट ना आया, हमेशा फर्स्ट आते थे। मुझे ऐसा भी याद नहीं है कि मैं कभी फर्स्ट ना आया हूं पीछे से, मैं तो कभी फर्स्ट नहीं आता था। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया है लड़के को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा कमरा, हर वो चीज जो अच्छी हो सकती है जो कि दोनों को मिलनी चाहिए, हम नहीं देते हैं, हमारी सोसाइटी नहीं देती है। अनफेयर है लड़कियों पे इन्वेस्टमेंट करना, अनफेयर है, ये तो किसी और के घर जाएंगी, इसलिए हम क्यों इन पे इन्वेस्ट करें। लेकिन लड़कियां, आप जानती हैं लड़कियों और लड़कों में बेसिक फर्क क्या होता है, वैसे मैं फर्क में यकीन नहीं करता हूं लेकिन अक्सर हम देखते हैं क्या फर्क होता है। लड़कियों को आप देखेंगे हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, परिवारों को जोड़ती है, और लड़के इसको ना ही बोलूं तो मेरी डॉटर है घर पे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिनके घर में डॉटर होती है, आई थिंक फादर डॉटर से खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं हो सकता, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन दैट कैन हैव। लेकिन जब ये रिश्ता इतना खूबसूरत है तो ये भेदभाव किस बात के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि नहीं लड़कों को तो मिलना चाहिए, लड़कियों को नहीं, इसका सोल्यूशन किसके पास? अब अगला एजुकेशन जो हमारा सेशन शुरू होगा, शिक्षा सत्र शुरू होगा, इस बार हमने प्रयास किया है कि जो ड्रॉप आउट होगा, आठवीं के बाद मान लीजिए कोई लड़की 9 में नहीं आती, 7वीं के बाद मान लीजिए 8 में नहीं आती, तो हम उनको वहीं पे ट्रैक करेंगे, ट्रैक तो हम कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? आप में से बहुत से प्रधान जी हमारे बीच बैठे हैं, बहुत से टीचर्स बैठे हैं, हम खुद भी हैं, हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और हम सब इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे आसपास अच्छा जो आप लोग झगड़ा कर, मैं आपसे केवल एक वादा लेना चाहता हूं, हमारे आस पड़ोस में अगर हम पढ़ते हैं कि कोई लड़की है जो कि एक क्लास में थी 6 या 7 में, 8वीं में नहीं गई,
तो हम व्यक्तिगत रूप से उस परिवार को प्रेरित करेंगे कि आप उन्हें स्कूल भेजें। और हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, अगर अपना थोड़ा सा सके कि आप उन्हें स्कूल भेजें। और हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, अगर अपना थोड़ा सा समय या कभी कभी थोड़ा सा धन भी अगर किसी को दें, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। आदमी बहुत कुछ करता है, लेकिन जो सुख देने में मिलता है, किसी कमजोर की मदद करने में मिलता है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। हम सब उस सुख के लिए जीते। मेरा आपसे अनुरोध है, हमारा विशेष प्रयास से होना चाहिए, हम नहीं देखेंगे कि हमारे पास कोई लड़की ऐसी है स्कूल ना जा रही हो। यदि किसी अभाव की वजह से वो नहीं जा पा रही है, हम जरूर कोशिश करेंगे उस अभाव को हम पूरा करें। आपसे नहीं होगा, हमारे पास ही सूचना आ जाए। टीचर से तो मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस बार हमारे पास ये 100% करेक्ट सूचना आ जाए, कौन कौन सी हमारी बालिकाएं हैं जो अगली क्लास में नहीं आई है। एनालिसिस उसके हम लोग खुद करेंगे, हमारा प्रयास होगा हम माँ बाप से मिले और कहें कि नहीं आप बेटी को स्कूल भेजिए। इस सबके करने से होगा और सभी की मेहनत से होगा। दूसरी बात, यदि किसी अभाव की वजह से वो नहीं जा पा रही, हम जरूर कोशिश करेंगे उस अभाव को पूरा करें। आपसे नहीं होगा, हमारे पास ही सूचना आ जाए। टीचर से तो मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस बार हमारे पास ये 100% करेक्ट सूचना आ जाए, कौन कौन सी हमारी बालिकाएं हैं जो अगली क्लास में नहीं आई है। एनालिसिस उसकी हम लोग खुद करेंगे, हमारा प्रयास होगा हम माँ बाप से मिले और कहें कि नहीं आप बेटी को स्कूल भेजिए। ये सबके करने से होगा और सभी की मेहनत से होगा। दूसरी बात, हम सब अपना कामकाज करते हैं, सभी के सब कामकाज करते हैं, 10 से 5 करते हैं, मान के भी चलते हैं 10 से 5 की ड्यूटी है। आज हमने बहुत से अध्यापकों को सम्मानित किया है, ये वो लोग हैं जो 10 से 5 तो काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा किया, कुछ अपने एक्स्ट्रा किया, अपनी ड्यूटी से हटके भी किया। ड्यूटी से हटके काम हमें करना पड़ेगा, छोटी मोटी कुर्बानियां आपने हमें देनी पड़ेगी जॉब्स के। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप सब ने जो एक्स्ट्रा किया अपनी जिम्मेदारी से हटके किया। तो हमारी जिम्मेदारी केवल बतौर टीचर नहीं है, मेरी जिम्मेदारी केवल बतौर डीएम नहीं है, बतौर इंसान भी मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को देखें। कल मेरे पास एक लेडी आई थी दिन में, वो मंडे के जनता दरबार में आई थी, तो मंडे के जनता दरबार में उनका इनकी शिकायत थी बिजली का कनेक्शन कट गया उनका, तो उनके 16,000 के आसपास ड्यूज थे। तो मैंने कहा माता पाऊंगा, लेकिन अगर आप इसमें से 5-6 हजार जमा कर देंगी तो मैं आपका कनेक्शन दोबारा जुड़वा दूंगा। तो अगले दिन आई तो उनके पास पैसे भी थे, उन्होंने कहा बेटा मैं जमा करने जा रही हूँ। साथ में बहुत छोटी बच्ची आई थी, 6-7 साल की। मैंने कहा माता जी इसका अपने स्कूल में नहीं, कहते बेटा इसका हमने नाम काट दिया। मैंने कहा इसमें तो माता जी सरकारी स्कूल में तो फीस भी ऐसी नहीं है कि मैं नाम काटना पड़े, आप इसे भेजिए स्कूल में। कहती नहीं बेटा नहीं, घर में भी और लोग को देखभाल करना। मैंने उनसे खुद कहा, मैंने कहा माता जी देखिए अगर आप इसे स्कूल भेजेंगी इसका हर महीने का जो खर्चा आएगा मुझसे ले लें, लेकिन आपसे स्कूल भेजें। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया, अगर सपोज उसमें से मैं अपनी तनख्वाह से भी कुछ देता हूँ, अपनी से भी देता हूँ, गवर्नमेंट से नहीं, तो आई थिंक तो ऐसा कोई मामला सामने आता है कि लड़कियां एक स्कूल क्लास में हो फिर अगली बार ना आती हूं, ऐसा होता है? नहीं होता है। आपके यहाँ प्रोजेक्टर है दिखाने के लिए, तो एक प्रोजेक्टर हम आपके स्कूल को देंगे, एक प्रोजेक्टर और एक इंटरनेट कनेक्शन, ताकि हम और जो क्रिएटिव तरीके हैं सीखने के, पढ़ाई लिखाई के। कई बार ऐसा होता है कि विशेष सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे पास नहीं होते, आजकल बहुत अच्छा ई लर्निंग मटेरियल मार्केट में आ गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। और एक हम आपको सैनिटरी पैड की मशीन देंगे, मुफ्त में देंगे, और उसके 3 महीने का पैसा भी मुफ्त में देंगे, उसके बाद खरीदना पड़ेगा, लेकिन मशीन हम आपको जरूर देंगे। बहुत से माँ बाप किसी बात से संकोच करते हैं कि नहीं अब लड़की की निश्चित एज हो गई, एडोलेसेंट हो गई, अब इसको नहीं भेज सकते हैं, दूसरे लोग उसको किस नजर से देखते होंगे, सेफ फील नहीं करते हैं। लेकिन ये बात हम बेटों को भी सिखाएं कि आखिर बेटियां सेफ फील क्यों नहीं कर रही हैं, ये उनकी गलती थोड़ी ना है जो सेफ फील नहीं कर रही है, लड़कों की गलती है जो उसको उस नजर से देख रहे हैं। हम लड़कों को तो इस सबकी प्रॉब्लम है, मिली जुली प्रॉब्लम है। नीति आयोग ने हमारे डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट माना है, स्पेशल फोकस यानी कि स्पेशल फोकस चाहिए, मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसमें स्पेशल फोकस चाहिए। और क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और आप आगे भी मेहनत करेंगे, मैं चाहूंगा सामूहिक प्रयास से हम डेफिनेटली इसमें अगले साल तक एक
अच्छी पहल करेंगे और अच्छा बदलाव भी देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों के साथ ऑटोग्राफ नहीं दे पाया, दे भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके साथ एक आध फोटोग्राफ जरूर दूं। थैंक यू सो मच। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छांव मिले, लंबी सी नगर नखले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार की प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो गली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले।